हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो चलो यार, इस वीडियो में बात करते हैं करियर फेयर्स की। मतलब काफ़ी यहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं। ये हम सब ने सुना हुआ है कि हमारे यहाँ पे कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, राइट, और वो रिक्रूट करके ले जाती हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। उसका ऑल्टरनेटिव लोग देते हैं यूजुअली कि या तो अप्लाई करो करियर पोर्टल्स के थ्रू, जैसे हम वहाँ करते हैं बैक इन इंडिया, और वो यार देखो यहाँ पे भी सेम ही रहने वाले हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये लोग एक चीज़ और बहुत बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि करियर फेयर्स भी आते हैं हमारे यहाँ पर, करियर फेयर्स में एम्प्लॉयर्स आएंगे। मैं आपको बताऊँगा करियर फेयर्स में क्या होगा, और वेल शो यू अ वीडियो ऑल्सो इसके बाद। तो अब बेसिकली क्या होता है करियर फेयर्स में, करियर फेयर्स में बहुत सारी कंपनीज आएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो पिच करेंगे अपनी अपनी कंपनी को कि हमारे पास ये पोजिशन हैं ओपन। अब आप मुझसे पूछो यार, मैं बहुत सारों में जा चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है, और यूजुअली ना कॉलेज कहते हैं कि आपको अपनी आपके पास पिच होनी चाहिए प्रिपेयर्ड, जिससे आप स्टैंड आउट करो दूसरे लोगों से, राइट। यार पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि एक बंदा है जो आपके जैसे 100-500 लोगों से मिल रहा है, वो आपको सेम अपनी कंपनी के बारे में बताएगा, अपने ओपन रोल्स के बारे में बताएगा, सेम आप बताओगे उसको कि मुझे ये चाहिए। अब क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। मोर ओवर ये लोग कभी भी ना आपको ऐसे नहीं करेंगे कि आपको रिक्रूटर का मेल दे देंगे। रिक्रूटर जो आते हैं बहुत बारी, वो हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड दे देगा और कहेगा कि हमारे करियर पोर्टल पर जाके अब अप्लाई कर दो। तो यार आप बताओ कि आपको लगता है कि कुछ उससे हेल्प होने वाली है? बिकॉज आई डोंट थिंक, मुझे पर्सनली वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा टाइम ही वेस्ट होता है वहाँ जाके, है ना। तो मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जिन जो यहाँ से इंटर्नशिप या जॉब्स लैंड कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट है नहीं उसका। अब यार कमिंग डाउन टू कि कितनी कंपनीज आती हैं, कितनी बड़ी कंपनीज आती हैं, ये डिपेंड करता है कैंपस टू कैंपस। अच्छे कैंपसेज होंगे जिनके अराउंड पे अच्छी कंपनीज लोकेटेड होगी, जैसे अगर कहीं पे अमेजोन लोकेटेड है किसी कॉलेज के अराउंड, यूनिवर्सिटी, तो अमेजोन भी जाएगा। बट अब आप ऐसे मिड वेस्ट की बात करोगे जहाँ पे ऑफकोर्स सब कंपनीज नहीं होंगे अच्छी कंपनीज, जैसे अमेजोन और ये सारी, तो इस साइड या चांसेस नहीं होंगे इन कंपनीज के आने के। हमेशा लोकल कंपनीज यूजुअली जाते हैं अपने पास से, और चांसेस आपके हमेशा हायर होने के आपकी लोकल विसिनिटी में होंगे। कभी भी ऐसे मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो ये मिड वेस्ट से उठा के ईस्ट कोस्ट में जिनकी जॉब लग जाएगी, ऐसे बहुत ही रेयरली होता है। और इसीलिए आई थिंक लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए जब भी आप अपना कॉलेज वॉलेज शॉर्ट लिस्ट करते हो, तो वही काफ़ी बड़ा रीज़न फैक्टर भी है। अबाउट कितनी कंपनीज आएंगी यार डिपेंड करता है फेयर साइज पे, कितना बड़ा फेयर है। अगर बहुत बड़ा फेयर है तो ईजी 40-50 भी आ सकते हैं, छोटा फेयर है तो 20-25 होंगे। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है। वर्क ऐसे ही करते हैं, आपको जाके हर रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी होती है, वो आपको अपना कार्ड देगा, आप उसको अपना रिज्यूमे दोगे। बहुत रेयरली होता है जब वो सामने से कॉन्टैक्ट करता है कि मतलब कि आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर सम अपॉर्चुनिटी। यूजुअली आपको यही बोलेंगे कि अप्लाई करो थ्रू पोर्टल, राइट। तो एनी वे आई मीन अब नाउ आई विल शो यू कि कैसे दिखते हैं एक करियर फेयर। सो बेसिकली दिस इज द करियर फेयर, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर साइड एक रिक्रूटर खड़ा है या फिर एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और बच्चे बात कर रहे हैं। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू।